अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एक दफा फिर मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो जी, आज मैं आपको DIY बता रही हूँ, जो कि है आई लैशेज सीरम के बारे में। और इसके लिए हम यूज करेंगे ये कंटेनर मस्कारे का। तो ये मैंने इस आई लैशेज सीरम बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छी तरह ये वर्क करता है, हमारे सारे आई लैशेज एंड आई ब्रो के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगी ये सारी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे बनता है ये आई लैशेज सीरम। चलिए लेट्स गेट आई लैशेज एंड आई ब्रो सीरम बना रही हूँ मैं यहाँ। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये सब सामने हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मेन जो है वो कोकोनट ऑयल हो गया, एंड ये हो गया कैस्टर ऑयल, और विटामिन ई ऑयल चाहिए होगा। इन सब चीज़ों की हम एटलीस्ट 1 टेबल स्पून के करीब मैं क्वान्टिटी लूँगी। और एक हमें चाहिए होगा ये किसी भी मस्कारा का, कोई भी आप ऐसा मतलब मोस्टली टोल पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो जो भी हमारे पास पड़ा होगा। मेरे पास ये पड़ा है तो मैं ये ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। आप लिप ग्लॉस का कंटेनर ले सकते हैं, एम्प्टी कंटेनर वो ले सकते हैं, उसे उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मस्कारा के साथ थोड़ा सा होता है कि हमें ये हम ईजीली अपने आईब्रो पे और आई लैशेज पे अप्लाई कर सकते हैं, सो इसलिए मैंने मस्कारा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ले लिया है बाउल, और हमें सबसे पहले इस तरह का बिल्कुल छोटी सी सा स्पून चाहिए, जिसके साथ हम डिज़र्ट खाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ ऐड करेंगे और वो चीज़ होगी कोकोनट ऑयल। तो जी, ये बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास बहुत ही छोटा सा कंटेनर है, तो मैं उसी लिहाज से इसकी क्वांटिटी यही बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने ये 1/2 टीस्पून लिया है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। और इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया कोकोनट ऑयल। अब मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल, और ये भी मैं लूँगी 1/2 टीस्पून। ये देखिए, इन सब का ये है कि हमें इन सब को मेजरमेंट को इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करना है, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। हाँ, विटामिन ई का आप थोड़ा सा कर सकते हैं आगे पीछे। और इसका ये बेनिफिट है, ये हमारी आई में बहुत ही ज़बरदस्त, हमारे आई लैशेज को की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो ड्राइनेस और पफिनेस हो जाती है हमारी आईज के अराउंड, और वो सब कुछ रिमूव कर देगा। लेकिन आपको इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है, और डेली रात को आपको इसे अप्लाई करके सो जाएं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी अगेन मैं थोड़ी सी लूँगी, ये देख ली जी, बिल्कुल 1/2 टीस्पून के करीब मैंने एलोवेरा जेल ले लिया। ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं चीज़ों की अगर देखी जाए, तो एलोवेरा जेल अगेन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी काम करती है, और हमारी स्किन को बहुत सूदिंग इफेक्ट देती है। स्किन को हेयर हो जाए, स्किन हो जाए, जो चीज़ हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप इसका टेक्स्चर। तो इसे जल्दी से मिक्स करते हैं और हम अपने कंटेनर में डालते हैं। मिक्स 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 हो रहा है यहाँ, ये देखें, ये क्योंकि थोड़ा सा हो रहा है ठीक, तो हम जल्दी से इसे कंटेनर में डालेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिया हुआ है मस्कारा का। तो इसका ये आपने ख्याल करना है कि ये स्पून से नहीं जाएगा, ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये स्पून से हमारे इसमें नहीं जाएगा, ये बिल्कुल इसी तरह जाएगा। तो हमने ये देखें, अभी भी ये बाहर आ रहा है, तो हम इसी तरीके से इसे अंदर डालते हैं और फिर इसको ट्राई करेंगे। ये मेरा मस्कारा रेडी है, ये देख सकते हैं आप, ये कितना ही ग्लोइंग। और इसी तरह आप इसको डेली अप्लाई करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा आपका सीरम है, जिसे आप आई लैशेज पे, आईब्रो पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एक और चीज़ जो कि मैं एडिशनली तौर पे इसमें ऐड करना चाहूँगी, अगर आप इसे वॉश करके यूज़ करें तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, और अगर आप इसे विदाउट वॉश यूज़ करेंगे तो आपका मस्कारा भी रिफ्रेश हो जाएगा, और इसके साथ आपको आई लैशेज एंड आईब्रो की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। तो आप इसे डेली बेसिस पे दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रात में यूज़ करना कंपलसरी है, आपको रात को डेली से यूज़ करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 मंथ के लिए, तो आपकी आई लैशेज और आई ब्रो की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जिनके बहुत ही पतले से आई ब्रोज होते हैं और उन्हें होता है हमारे थोड़े थिक हो जाएं, तो उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।